तो यहाँ इस वक्त जमात इस्लामी हिंद के अरकान का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जमात में मेंबरशिप के कई लेवल्स हैं, जो सबसे टॉप लेवल है वो अरकान कहलाते हैं। तो पूरे मुल्क से तकरीबन 10,000 अरकान यहाँ पर जमा हैं और इंडिया के तमाम रियासतों से और तमाम इलाकों से अरकान जमात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उसमें मर्द अरकान भी हैं और तकरीबन 2,000 ख़वातीन अरकान भी हैं। तो ये 4-डे सेशन है जिसमें अरकान जमात जमात की एक्टिविटीज़ पर, उसकी कारकर्दगी पर, उसके कामों की सूरत हाल पर, इन सब चीज़ों पर डेलिब्रेट करेंगे और आइंदा के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या लाहमल हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस इज्तिमा में एक पब्लिक मीटिंग का भी अहतमाम किया गया है जो आज शाम में इसी ग्राउंड में मुनक़िद होगी और उसमें हैदराबाद से भी और फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के और डिस्ट्रिक्ट से हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह लोग शिरकत करेंगे। और इसमें जमात के सेंट्रल लीडर्स के अलावा नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के कई और लीडर्स भी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों तरह के लीडर्स उसमें पब्लिक को एड्रेस करेंगे। मुल्क की तामीर नो और हम, उसका सेंट्रल टॉपिक रखा गया है। इस इज्तिमा में डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, डिबेट्स के अलावा और कई चीज़ें हैं। मसलन कल शाम में एक कल्चरल इवेंट का अहतमाम किया गया है जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, मोनो एक्टिंग्स वगैरह के थ्रू जमात के मैसेज को कम्युनिकेट किया जाएगा। एक मुशायरा भी होगा कल शाम में, ऑल इंडिया मुशायरा, जिसमें शोरा इकराम अपनी गज़लें पेश करेंगे। और उसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि एग्जीबिशन है जिसमें आर्ट के ज़रिए जमात के मैसेज को, जमात की फ़िक्र को कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह ये एक मल्टी डायमेंशनल 4-डे सेशन है जिसमें जमात के पूरे इंडिया से अरकान शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम है मेनली ये एक इंटरनल कॉन्फ्रेंस है जमात की सिचुएशन पे गौर करने के लिए और आइंदा हमारे क्या स्टेप्स होना चाहिए उस पे गौर करने के लिए। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, उस पर डेलिब्रेशंस होंगे और इन हालात में जमात को क्या करना चाहिए मुल्क की सूरत हाल को, दुनिया की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, उस पर सोचा जाए। नमाज पढ़ना एक तार की मानिंद है, हज करना एक तार की मानिंद है, यानी ज़कात देना एक है, एक मामूली बन जाओ तो रस्सी की मानिंद किस तक बनना भी बोले तो देखो ये जो रहम दिली, ईमान, हौसले सुलू की पर्दा खौफ, ये तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद जब मिलाकर एक बनकर पूरे ईमान को एक बनाना है ना, जो जब तक हम कुरान शरीफ की तलावत करेंगे समझेंगे नहीं। जब देखो ये इत्तेहाद है, एक तस्बीह की मानिंद है पहले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे कैसे थे सहाबा करम में, कितना इत्तेहाद था, कितना मिलजुल के काम करते थे। Related to line justice.
केरला में तुरंत जिस तरह तपात को बरसात आ रहा जी जो भी इसके खिलाफ अच्छा इसी के कारण जी जी and the people that are in this